हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गिट्स के गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, गिट्स का हमने एक पैकेट लिया है। तो फ्रेंड्स, ये 200 ग्राम का है। गुलाब जामुन बनाने की विधि पैकेट के पीछे दी हुई है। गुलाब जामुन का प्रीमिक्स हम बाउल में निकाल लेंगे। इंस्टेंट हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे और फ्रेंड्स से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बाउल में हमने प्रीमिक्स को निकाल लिया है। अब हम चम्मच से गुठलियों को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो प्रीमिक्स को छानकर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हमने अच्छे से गुठलियों को मिक्स कर लिया है। हमने आधा कप दूध लिया है, तो दूध को हम बाउल में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गरम दूध लिया है, थोड़ा गरम होना चाहिए दूध, रूम टेम्परेचर पे भी रहेगा तो चलेगा। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सचर हमें गीला गीला सा लग रहा है। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने 3 कप चीनी ली है। तो चीनी को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। वेट से नापेंगे फ्रेंड्स, तो हमने 600 ग्राम चीनी ली है। तो अब हम 640 ग्राम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप हमने ऐड कर दिया है, ये दूसरा कप है और ये 2/3 कप हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें हाई फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हमें लो फ्लेम पे चाशनी को 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी चिपचिपी चाशनी हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी चिपचिपी चाशनी हो गई है हमारी। एक तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए, थोड़ी चिपचिपी ही चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और चाशनी को हमें ढककर रख देना है ताकि गर्म रहे। मिक्सर को 15 से 20 मिनट हो गए हैं और देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हमें हाथों से एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इसमें दूध ऐड किया था तो बहुत ही ज़्यादा गीला था और यहाँ पे अब गाढ़ा हो गया है। तो हमें हल्के हाथों से, आपको थोड़ा टाइट लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो और इसको सॉफ्ट कर सकते हो। तो हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए थोड़ा सॉफ्ट डो चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिक्सर लिया है और हाथों पे हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हमें हल्के हाथों से छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेना है। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने मन से छोटे बड़े बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। गुलाब जामुन के ऊपर क्रैक ना आए इसलिए हमें सॉफ्ट मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्रैक फ्री गुलाब जामुन बना लिया है। तो हम सारे गुलाब जामुन बना कर रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं और एक भी क्रैक नहीं आया है। तो अब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम एक एक करके गुलाब जामुन को कढ़ाई में ऐड कर देंगे और हमें लो फ्लेम पे ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है। सारे गुलाब जामुन हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें चम्मच से हमें हल्के हाथों से गुलाब जामुन को स्टिर करना है ताकि कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, गुलाब जामुन का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। तो हमें दोनों तरफ से अच्छे से कलर एक जैसा आ जाए तो हमें करछी से थोड़ा सा चलाते रहना है। गुलाब जामुन को फ्राई करते समय हम करछी से चलाते रहते हैं तो एक जैसा कलर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, गुलाब जामुन का कलर चेंज हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमें निकाल लेना है। सारे गुलाब जामुन हमने निकाल लिए हैं। इंस्टेंट गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चाशनी को थोड़ा गरम कर लिया है और गरम गरम गुलाब जामुन हम चाशनी में डाल देंगे और हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे।
गुलाब जामुन चाशनी को सोख कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन हमारे फूल के डबल साइज़ में हो गए हैं और चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गुलाब जामुन को चाशनी में, गुलाब जामुन को हमने आधे घंटे के लिए ही चाशनी में रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी भरी हुई है। चाशनी थोड़ी गर्म रहेगी तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे इंस्टेंट गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।